बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की योजना के तहत सरकारी स्कूल में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली ऐसी बेटियों को साइकिल दी जाती है, दूर दराज से पढ़ने आती है। हालांकि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को वितरण करने के लिए आई साइकिलों का लंबे समय से खुले चौक में ढेर लगा हुआ है, लेकिन वितरण की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। नियमों के तहत शैक्षणिक सत्र मई में ही शुरू हो जाता है। कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली बेटियों को ये साइकिल दी जाती है। इस बार साइकिलों के वितरण में देरी का रह भी कारण माना जा रहा है कि भाजपा शासन में इनका कलर भगवा होता था, जबकि इस बार शासन कांग्रेस का होते ही रंग बदल कर काला कर दिया गया है। शिक्षाविद महावीर प्रसाद गुप्ता का मानना है कि सत्र आरंभ होते ही छात्राओं को साइकिलें मिल जानी चाहिए, लेकिन सरकार और विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हर साल साइकिलों के वितरण में अनावश्यक देरी होती है, जिससे बालिकाओं को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बार अक्टूबर में भी साइकिलें तैयार होकर आ गई हैं। नोडल केंद्र चाकसू बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में खुले में पड़ी है बेटियों को स्कूल आने जाने के लिए दी जाने वाली साइकिलों की। यह योजना वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। उस समय इनकी कीमत मात्र 2,766 रुपए प्रति साइकिल थी, जो अब 3,346 रुपए हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि महंगी होने के बाद भी समय पर बालिकाओं को साइकिलें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।